हाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मैं हूँ यमी। तो आज हम बनाने वाले हैं चावल वड़ा, इंस्टेंट वड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अक्सर हमारे घरों में चावल बच जाते हैं, तो उसी चावल से आज हम एक नाश्ता बनाएंगे, वो इंस्टेंट वड़ा। ये वड़ा आप मैं इडली के साथ खाते हैं ना, वो टाइप में रहता है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जालीदार, सॉफ्ट रहते हैं। इस ये सभी को घर में सभी को पसंद आएगा, बहुत अच्छा नाश्ता रहेगा। तो आज हम ये नाश्ता बनाकर बताऊँ। देखिए, मैं यहाँ पर एक कप चावल ली हूँ, जो घर में अक्सर रहते हैं वही चावल बचे रहते हैं ना, और हाफ कप राइस फ्लोर ली हूँ, चावल का आटा, और एक 4 टेबल स्पून सोजी, जो बारीक वाली सूजी, और थोड़े इसमें ऐड करने के लिए मसाले, हरिया धनिया बारीक कटा हुआ, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च थोड़ी बारीक कटी हुई, थोड़ा कम अदरक बारीक कटा हुआ, ज़ीरा, काली मिर्च, ये सब ली हूँ। अब फर्स्ट मैं चावल को ग्राइंड कर लूँगी, एक जार में थोड़ा पानी ऐड करके चावल डाल के ग्राइंड कर लूँगी। आपको जितना पानी लगा उतना डालिए, बहुत पतला नहीं रहना, ये घट्टी रहना चाहिए। देखिए इस तरह इसका बैटर। अब इसमें मैं चावल का आटा ऐड करूँगी, और वो सूजी भी ऐड कर लूँगी, 1/4 टेबल स्पून सूजी, और इसमें मैं थोड़ा दही ऐड करूँगी, 1/5 टेबल स्पून जितना दही, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा साल्ट, आपके स्वाद अनुसार साल्ट डालिए, और 1 कप प्याज, बारीक कटी हुई प्याज ऐड करना, और ये सारे मसाले, धनिया, हरिया धनिया, कड़ी पत्ता बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक बारीक कटी हुई, काली मिर्च, ज़ीरा। आप काली मिर्च को थोड़ा कुचल कर भी डाल सकते हैं, और अच्छे से मिक्स करना, थोड़ा पानी भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना। अब ऑयल रखती हूँ मैं इसमें, कढ़ाई में ऑयल रखी हूँ। देखिए, इसको थोड़ा पानी लगाकर, अच्छे से दोनों हाथों को पानी लगाकर, अपनी हथेली पर रखकर इसे वड़े के टाइप में बनाकर दे ऑयल में छोड़िए। देखिए, इसको इमीडिएट टर्न नहीं करना, थोड़ा क्रिस्पी होने देना, वहीं पर ऑयल में क्रिस्पी होना, वो ब्राउनिश आया तो जब आप इसको टर्न करना। देखिए इस तरह, देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है। देखिए, और दो बना के बता रही हूँ। पानी में तो आपको हाथ अच्छे से डुबोना चाहिए, और अपने हाथों में इस तरह बनाकर छोड़ना चाहिए, वड़े के शेप में बनाना चाहिए। टाइम टाइम को आपको पानी ने डिप करना, अपने हाथों को इस तरह ऑयल में छोड़ना, नहीं तो वो पानी नहीं लगाए तो चिपक जाएगा। जब वो ब्राउन होता है तो आप उसे टर्न करना, इमीडिएट टर्न नहीं करना। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये इतने अच्छे क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जालीदार और सॉफ्ट भी रहेंगे। मैं इसे कोकोनट चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। आप इवनिंग्स पे अपने बच्चों को स्नैक्स के तरीके में बना के दे सकते हैं। आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, अपने रिव्यूज़ मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।